मंत्री ना जन विवाद रे दुई पावरफुल मंत्री प्रताप जेना और अरुण साहू। अरुण साहू को लोके हत्या धमक देउछंती परी मां को केस्टा केमदी डिस्पोज हो जा ताको हानिबू से हमकु भी हाने हमकु से बंचिया को भी देबेनी का संपूर्ण भाबे अरुण साहू। प्रताप जेना धमकाउछंती मृत दीप्तिकांतक भाई को पीड़ितक परिवार को न्याय लढैरु ओहरी जीवा पाई धमक मंत्री प्रताप जेना मते बार बार धमकाइछन एवं तांकर एफआईआर कॉपी भी मते डीजी पुलिस की देइछि। सामना को आसिला बीजेडी रा संविधान रे अहिंसा रा व्यवहारिक दिग नयगढ़ जदुपुर रा पांच वर्ष रा खुनी झिया परी अपहरण और हत्या मामला रे मंत्री अरुण साहू का संपृक्ति अभियोग आणिले बापा मा कहिले मंत्री लोक मारिदे परी को आबे से ही मंत्री लोक धमकाउछंती परीर परिवार लोक को बाबुली नायक तार लोक परीर बापा मां को देउछंती हत्या धमक। भयरे जदुपुर रे रहुनाहंती परीर परिवार बाबुली मंत्री अरुण साहू का खास जो मानक नारे परी परिवार आणिले अभियोग से मानंकु धरी तदंत कले बोथरा एबे सीबीआई तदंत दाबी करिछंती परीर मा अगेन बाबुल नायक ता टीम सनंदन नायक निजे कहि जे हाय दबो कान बेहरा मा कहि जे कि घर गांव को असले पेट्रोल बगे जाय दबो से कहि गांव को असले हाय दबो गांव को असले मारी देबू ताक भीतर से कथा आइ छै ताक वकील हाथ से कथा ताक वकील ताक बतै छै कि ताक मारी दियो केस ताक सॉल्व होइ जइबो संपूर्ण भाबे अरुण साहू तांकर साहस रे मनक साहस बढ़िया जी। सपटे मंत्री प्रताप जेना भी चलाइ छंती तांकर साम्राज्य जे विरोध कला ताकु रास्ता रो हटाई देउथिबार सांगातिक अभिजोग आइन नगर उन्नयन और पंचायत राज मंत्री नारे अभिजोग अनुसार महांगा बाजपुर दीप्तिकांत को प्रताप जेना लोक हत्या कले मुख्य अभियुक्त थिले प्रताप जेना राइट हैंड प्रशांत राउत तरफ नंडा नंडा को खसाई देला पुलिस नंडा और ता सहयोगी दीप्तिकांत घर पोड़ी देले एवं छतियारे रही न्याय लड़े लड़ुंट दीप्तिकांत पर धमकाउछंती मंत्री प्रताप जेना और तांक लोक मंत्री प्रताप जेना मते बार बार धमकाई नंडार जो मैंने सहयोगी अच्छा से तार दुईट पुतुरा अच्छा तार दुईज भाई अच्छा आज्ञा मत बार बार आज्ञा धमकई मारवाई आज्ञा केस विड्रो करू नचे कौ गणमाम कौन सी सरकारी अफिस्बू ते जीवन मारदेव ते जीवन मारदेव। संविधान मुखबंधर अहिंसा दाबी करुच्ची विजु जनता दल आउ एही दलर नेता मंत्री देउछंती हत्या धमक चेला चामुंडांक द्वारा घटाउछंती हिंसा आउ एजेंट साजिछि पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।